तो दोस्तों, अगर आप 15,000 का बजट है, जब आपको बड़ा सा पावरफुल स्मार्टफोन जो खरीदना चाहते हो, जब आपको गेमिंग खेलने के लिए कोई इशू ना हो और आपको लेटेस्ट 5G प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिले, अगर आपको टॉप ऐसे स्मार्टफोन बताने हो जब बड़ा सा प्रोसेसर हो, लेटेस्ट 5G प्रोसेसर देखने को मिला, 64 का क्वाड्रो कैमरा देखने को मिला, जब बड़ी सी डिस्प्ले है, जब 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जो सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 जा रहा हो, बड़ा सा गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो और आपको चाहिए एक पोको का स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन का खरीद सकते हो। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। 6.67 की FHD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश के साथ आती है, और एक IPS पैनल इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इस स्मार्टफोन का 240Hz का टच सैंपल रेट देखने को मिलता है, जैसे अच्छी खासी स्मूथली गेमिंग कर पाओगे, और इस स्मार्टफोन में कोई भी लैग शटर देखने को नहीं मिलेगा, अगर जितना भी आप गेमिंग कर पाओगे। उसमें देखिए, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते हो तो आपको मोबाइल हीट नहीं होगा। आपको कॉफी मारा स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जहाँ जो साउंड की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, 64Hz का प्राइमरी सेंसर थ्री और सेंसर स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, सेल्फी में आपको 13 का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, या आपको बड़े से सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने मिलते। बैटरी कैपेसिटी की बात करें, 5,000 mAh की बड़ी बैटरी है, उसको फास्ट चार्जिंग करके 33W का फास्ट चार्जर। चलो दोस्तों, आप स्टॉक ऑनलाइन यूजर हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो और आपको 15,000 के अंदर ऐसे एक स्मार्टफोन देख रहे हो, आज आपको मोटोरोला का एक स्मार्टफोन बताने वाला, ये आता है मोटोरोला G45 के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पर 120Hz का स्मार्टफोन का डिस्प्ले आता है, चैटिंग का सपोर्ट है। यहाँ पर कैमरा वाली बात करते हैं, बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जब 64Hz का ट्रिपल रियर सेंसर है, 16Hz का सेल्फी कैमरा है। परफॉर्मेंस की बात करें, स्नैपड्रैगन 732G का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट से चेकअप। चलो दोस्तों, अगर 5G स्मार्टफोन देखो, आपको रियलमी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, स्मार्ट प्राइस के अंदर आपको बड़ा सा स्मार्टफोन खरीद लाओ, ये स्मार्टफोन आता है Realme 8 5G। हाल ही में रियलमी ने स्मार्टफोन को लॉन्च किया, स्मार्टफोन में Dimensity 7500 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो MediaTek की तरफ से आता है, और आपको बहुत ही बड़ा गेमिंग देखने को मिली, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 18W का आउटपुट चार्जर है, 6.5 इंच की अगर डिस्प्ले देखने तो 90Hz रिफ्रेश के साथ डिस्प्ले आती है, 48MP का क्वाड्रो कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में। इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात करें, स्मार्टफोन को 3 कलर में देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन का परचेस करना चाहते हो, स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट से 14,500 में खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आपका बजट 15,000, जब बड़ा सा एक स्मार्टफोन देख रहे हो, जब रेडमी का एक स्मार्टफोन चाहिए, आज आपको बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन देना हो, ये आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 10 है, स्मार्टफोन आपको 14,000 के अंदर मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, आप 64MP का क्वाड्रो कैमरा देखने को मिलता है, जब 3 और सेंसर देखने को मिलता है, जैसे अच्छी खासी आप फोटो क्लिक कर पाओगे, और नाइट में भी ऐसे फोटो क्लिक करोगे, उसका भी एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है। डिस्प्ले की बात करें, 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, जो 90Hz के रिफ्रेश रेट का आता है, जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मेरा G95 का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे हाई एंड गेम देखने को मिलते हैं। बैटरी के बैठ के बात करते हैं, 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, उसको चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स आता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 3 कलर में स्मार्टफोन अवेलेबल है। स्मार्टफोन को आप अमेजन से चेकआउट कर सकते हो, 14,000 के अंदर इसका बेस्ट वेरियंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन बताने में आता है 15,000 के अंदर, देखिए स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा रैम देखने को मिलती है, जिनको ज़्यादा रैम चाहिए तो इस स्मार्टफोन इस प्राइस के अंदर 8GB रैम 128GB स्टोरेज का वेरियंट आपको 15,000 में मिल जाए, जिसको आप परचेस कर सकते हो। चलिए स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें, तो आपको 90Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो एक IPS डिस्प्ले है, और इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की बात करें, तो आपको बैक साइड में क्वाड्रो कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर 64MP का मेन सेंसर है, जहाँ पर बहुत सारे फीचर हाईलाइट किए गए, और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल से आप वीडियो शूट कर सकते हो, जहाँ पर 960fps पे ऐसे शूट कर पाओगे। कैमरा के लुक की बात करें, तो यहाँ पर सेल्फी में आपको 48+ MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिला, डुअल सेल्फी कैमरा है। MediaTek Helio G90D का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जहाँ पर गेमिंग बहुत ही बढ़िया होने वाली है। डिस्प्ले की बात करें, तो आपको डिस्प्ले बहुत ही यूनिक देखने को मिलती है, 90Hz की रिफ्रेश रेट का यहाँ पर डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन का आप परचेस करना चाहते हो तो स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, आप 15,000 के अंदर बड़ा स्मार्टफोन देख रहे हो और आपको सैमसंग का एक स्मार्टफोन चाहिए, आज आपको बहुत बड़ा स्मार्टफोन रिकमेंड करने वाला हूँ, ये आता है सैमसंग की तरफ से। इस स्मार्टफोन की खास बात है, ये स्मार्टफोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस स्मार्टफोन है सैमसंग Galaxy F41 फ्लिपकार्ट के अंदर अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें, तो
420 निट्स का यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलता है। बड़े सा डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, और आप किसी भी कंडीशन में स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आपको बड़े से ब्राइटनेस देखने को। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पर 64 MP का ट्रिपल रियर सेंसर देखने को मिलता है। जब आप किसी भी कंडीशन में आपसे ऐसे फोटो क्लिक करते हो तो बड़े से यहाँ पर फोटो आ जाएगी। और दो चार यहाँ पर 8 MP का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है, जैसे बैक साइड में अब अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। और उसके बाद 5 MP का यहाँ पर माइक्रो सेंसर है, अगर माइक्रो शॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पर 32 MP का सेल्फी कैमरा है, जिससे आप अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। सेल्फी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने मिलता है स्मार्टफोन में, और यहाँ से आप बैक कैमरा से आप 4K वीडियो ऐसे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और आपके 32 MP का सेल्फी कैमरा से आप ऐसे अच्छी खासी सेल्फी निकाल पाओगे। बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आता है एक्सोनस का प्रोसेसर आता है जो सैमसंग की तरफ से आता है, एक्सोनस 9611 का प्रोसेसर आता है जो 2.3 क्लॉक की गीगाहर्ट्ज़ है। यहाँ पर LPDDR4X रैम देखने को मिलता है, 4GB 64GB का वेरियंट। यहाँ पर स्मार्टफोन आपका 15,000 के अंदर फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, जैसे स्मार्टफोन का परचेज कर सकते हो। और एक स्मार्टफोन आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये बैक साइड में आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन को आप खरीदना चाहते हो, इस स्मार्टफोन का आप 6GB वेरियंट या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, 15,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा।